ल्यूपी एससीजी 5000 इंजेक्शन के अंदर कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन इंग्रेडिएंट्स के तौर पर दिया हुआ है। वे हार्मोन जो जनन इंद्रियों से स्रावित होते हैं उन्हें हम गोनेड्स या फिर गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं। तो इसके अंदर कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन दिया हुआ है। यह हार्मोन यानी गर्भधारण में मदद करता है। तो जिन मेल या फीमेल में इस हार्मोन की समस्या यानी कमी रहती है उनको इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझना पड़ता है। तो इसी वजह से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ज्यादातर इनफर्टिलिटी यानी बांझपन को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी वे फीमेल जिनमें एग तो बनता है, एग बनने के बाद में उनका जो एग है वो नष्ट हो जाता है यानी फट जाता है और पीरियड के जरिए वो एग निकल जाता है और उनका गर्भ धारण नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर इस तरीके की फीमेल उनका गर्भ धारण हो भी चुका है उसके बाद उनके जो बच्चे हैं वो गिर जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल में लाते हैं। कब तक? 3.5 महीने तक अधिकतम, क्योंकि 3.5 महीने के तक के बाद जो बच्चा है उसमें हड्डियां बनने लगती हैं, फिर इस इंजेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ती और आपकी जो दवाइयां चल रही हैं वो आपकी रेगुलर दवाइयां 9 महीने तक चलेंगी। 3.5 महीने तक यह इंजेक्शन लगेगा हर 8वें दिन। और आपको विशेष एक बात का ध्यान रखना होगा, यह इंजेक्शन 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर तक रखा होना चाहिए। अगर 8 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा तापमान हुआ कमरे का या फिर जिस जगह पर यह इंजेक्शन रखा है तो यह इंजेक्शन सही तरीके से वर्क नहीं करेगा और इंजेक्शन खराब हो जाएगा, यानी आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट जाएंगे और पूरा जो ट्रीटमेंट है आपका खराब हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा जब भी आप इस इंजेक्शन को लाएं, यानी प्रिस्क्रिप्शन पर अगर किसी डॉक्टर ने आपको ये इंजेक्शन लिखा है तो जब भी मेडिकल स्टोर से आप लेने जा रहे हैं तो आइस बैग में रखकर ही इस इंजेक्शन को लाएं और तुरंत इस इंजेक्शन को आईएम लगवाएं। फ्रीजर में आपको यह इंजेक्शन यानी आइस जिसमें बर्फ जमा होती है उसके अंदर नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर रखना है। और लगाने का तरीका आईएम यानी और ऐसी दोनों तरीके से, केवल हमें 100% आईएम ही लगाना है यानी इंट्रामास्कुलर बस। तो इसकी जो मार्केट रेट की बात करें तो पहले आज से कम 2 साल पहले इस इंजेक्शन की जो मार्केट रेट 530 रुपीज यानी 530 रुपए में यह इंजेक्शन मिलता था, पर आज कम से कम 650 रुपए के करीब आपको एक इंजेक्शन की रेट होगी और 2 ml का ये इंपुल होगा। तो वे फीमेल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिनका एग बनता है, एग बनने के बाद उनका जो एग है वो नष्ट हो जाता है, तो एग को यानी सही तरीके से ग्रोथ देने के लिए हम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। या फिर वे फीमेल जिनका एग बन जाता है और उनका एग टूटता नहीं है तो उस कंडीशन में एग को तोड़ने के लिए भी हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और वे फीमेल जिनका गर्भ ज्यादातर गिर जाता है कारण कोई भी हो तो 3.5 महीने तक हर 8वें दिन यह इंजेक्शन दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इंजेक्शन बढ़िया है।